वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडश इन टूडेज वीडियो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर इलेवन ऑफ अपन फ्रॉन् थ्री विच इज य मीनिंग हमारा क्या होता है अ वेरी बिजी डे तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज है एंड जो टेक्स्ट है दिस टेक्स्ट इसको भी हम पूरा का पूरा जो है कवर करेंगे इट्सटार्ट बाई रीडिंग दिस टेक्स्ट इट्स एज एनीशी सेज़ सर यू मैनुअल टू क्यूनापा अपले इर मीन्स हाई मैनुअल वाई डिडेंट यू कॉल मी येस टर्डे वाई डिडेंट यू कॉल येस्टरडे अब आप लोग यहाँ पर देखोगे वाई डिडेंट यू कोल्ड यहाँ पर देखो हमने पास टेंट कर दिया अभी तक जब से हमने फ्रेंच स्टार्ट करी है लर्निंग करना हमने शुरू करा है फ्रेंच को लर्न करना सॉरी तो हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब्स को कॉन्जुकेट करना देखा अब यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास पास्ट टेंस की वर्ब आ गई तो इससे आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि इस चैप्टर के अंदर हम पास्ट टेंस जो है वही करने जा रहे हैं ठीक है तो अभी उसकी फॉर्मेशन पास्ट टेंस की हम आगे चैप्टर में देखेंगे अभी आप लोग ये टेक्स्ट पर फोकस कर लो इट्स आगे ये कहता है मैनवली सेज सैल्यू अनिश ईर जे अशार जे मीन्स Hello, Anish. Yesterday I had a very busy or loaded day. La mata j'ai revise pour l'examen de maths, means the morning I revised for the math exam. A midi uh, j'ai uh, quitté la maison avec ma mère means in at noon. I left the house with my mother, nous avons fait des courses means we did shopping. Ma mère a invité des amis à dîner, my mother had invited some friends at the dinner. Je passé la primité à la bibliothèque, means I passed the afternoon in the library. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? And you, what you did, what you had done, or uh, yeah, what did you do? Moi, j'ai écrit une lettre à mes grands-parents, means me, I wrote a letter to my grandparents. Ensuite, j'ai regardé un beau film à la télévision, mais j'étais en retard pour mon cours de français, means then, I watched a good movie in the television, but I was late, uh, I was late for my French class. Mon professeur n'a pas été content, means my... टीचर वॉज नॉट हैप्पी अलॉर जिथरा वेल्यू दूर ए ये बोन नोथ मीन्स देन आई वर्कड हार्ड एंड आई गॉट गुड मार्क्स ठीक है इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग देखो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वी हैव टू राइट ट्रूअर फॉल्स ए आर अनिश अ एग्जाम अ द मैथ मीन्स यस्टरडे अनिश हैड अ मैथ्स एग्जाम तो इट्स फॉल्स लम आर द नीश आ ओम विथ एजामी मीन्स द मदर ऑफ

नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट है अवेक एक अ मूथ ओ दे मूथ ड्यूटेक्स मीन्स कंप्लीट विद अ वर्ड और सम वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ठीक है फर्स्ट इज स दैश इल्फिबो मीन्स दिस डैश द वेदर इज गुड तो यहाँ पर आएगा हमारा मात एम ए टी आई एन नेक्स्ट में आएगा हमारा ला बिब्लियोटेक ठीक है एच यू पुरकुआ एर दैश पूर् क्लास तो ये आएगा हमारा ओ रतार ठीक है लेट फॉर द्लास ओ बुआ ए थ्री दैश मीन्स दिस वुडन चेयर इज वेरी दैश तो यू कैन से गुड ठीक है बोन आएगा हमारे यहाँ पर नेक्स्ट ये थ्रूवेलर कौन थ्रा विच इज फाइंड दी अपोजिट और जूर द्वी का हमारा होगा ए आर एच आई ई आर सो का होगा आवेक ए वी ई सी एंड ओ आवंस का होगा ओ र ओ आवंस मीन्स जल्दी पहुँच जाना कहीं पर इन एडवांस एंड पैरड्यू मीन्स लॉस्ड एंड थ्रू वे मीन्स फाउंड ठीक है तो ये हमारे आंसर्स होंगे ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इट इज ले मोयो द ट्रांसपोर्ट मीन्स द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट Okay. So, como voyagez-vous means how do you travel? Como allez-vous à l'école means how do you go to school, office, etc. Je voyage, je vais en train, means I go in train. Je vais en avion means I go in aeroplane. Je vais en car means I go in bus. Je vais en voiture means I go in car. ठीक है वे ओ बस बस इज बस ओनली जवे मोटो मीन्स आई गो इन मोटर साइकिल ओ मेट्रो इन मेट्रो ओ टैक्सी इन टैक्सी आ वेलो मीन्स बाय साइकिल ठीक है अब ये सारे हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर आप लोगों को कहना है कि मैं स्कूल जाती हूँ बाय साइकिल तो यू कैन से य वे आले खोल पार ला वेलो आ वेलो ऑल्सो यू कैन से ठीक है य वे आले खोल आ वेलो ठीक है यबे अलेखोल ओ टैक्सी ठीक है अब आप लोगों को ध्यान रखना टैक्सी के साथ ओ ही यूज होगा आ यूज नहीं हो सकता ठीक है अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज द पासे कॉम्पोजे पास टेंस सॉरी परफेक्ट टेंस अब ये हमारा इंट्रोडक्शन देता है पर ऑफ द पासे कॉम्पोजे विच इज द परफेक्ट टेंस इट सीज फ्रेंच के अंदर जो हमारा पासे कॉम्पोजे है वो एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया ठीक है ये अब हम देखते हैं जो हमारा परफेक्ट टेंस है ना वो दो वर्ब्स के साथ मिलकर फॉर्म होता है एक यूज होती है हमारी अबार वर्ब एत्र वर्ब ठीक है इन दोनों में से एक वर्ब यूज़ होती है फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब जैसे कि सब्जेक्ट सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट फिर हमारी एत्र या फिर अव्वार वर्ब इनमें से कोई एक लगेगी फिर हमारी मेन वर्ब जो हमारी मेन वर्ब, वर्ब है सपोज मेन वर्ब है मोनजे तो उस मोनजे वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है जैसे कि हैज हैव का हम हैड बना देते तो वो उसका पास्ट पार्टिसिपल है तो वैसे ही मेन वर्ब का भी पास्ट पार्टिसिपल एंड देन दी ऑब्जेक्ट तो ऐसे हमारी जो है पूरी फॉर्मेशन होती है पास्ट पार्टिसिपल की अब चीज ये आती है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होता है हमारा वर्ब का ठीक है देखो लेट मी टेक दिस नोटबुक यस अब देखो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं ऑफ ई आर वर्ब ई ER आर वर्ब हम एग्जाम्पल uh, लेते हैं मैं लेती हूँ एग्जाम्पल पार्ले वर्ब का पार्ले वर्ब मैंने ली अब ई आर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले ई ER आर को कट करते हैं एंड ये ई पुट कर देते हैं विद एन एक्सेंट ठीक है तो पार्ले वर्ब का हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है ये ठीक है वैसे ही अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें आई आर वर्ब्स की आई आर वर्ब में आई आर कट होता है एंड आई पुट होता है ठीक है वैसे ही आर ई वर्ब के अंदर आर ई कट होकर यू हम पुट करते हैं ऐसे हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनता है एंड ई आर के अंदर ये ई आर कट कर हम ये वाला ई पुट करते हैं ठीक है तो ऐसे हमारी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होती है ई आर का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया अब एक आई आर वर्ब का एग्जाम्पल देखो <coughs> सॉरी फिनिरर फिनिरर का मैंने आई आर कट करा एंड आई पुट कर दिया ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया फिनिर वर्ब का नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो वोंद्र वोंद्र विच इज एन आरी वर्ब तो इसका आर कट करा एंड यू पुट कर दिया तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया तो ऐसे हमारी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होती है ठीक है अभी के लिए इस चैप्टर के अंदर जी की जो मैं बात कर रही हूँ अभी के लिए इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारी जो है अवहार वर्ब का यूज़ होगा वर्ब्स के साथ अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर अवहर वर्ब यूज़ करनी है और कहाँ पर एत्र वर्ब यूज़ करनी है तो अभी इस चैप्टर के लेवल पर सिर्फ अवहार वर्ब का यूज़ होगा जितने भी वर्ब्स होंगे उनमें अवहार का यूज़ होगा एथर और अवहार के बीच का डिफरेंस जानने के लिए कि कब अवहार यूज हो कब एथर यूज हो तो आगे वाले चैप्टर्स में या अगली क्लास में हम डीप में पढ़ेंगे अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो जितने भी हम इस चैप्टर के अंदर वर्ब्स करेंगे वो अवकार वर्ब का उनका यूज होगा ठीक है अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे कि आप लोगों को फॉर्मेशन बताई थी कैसी फॉर्मेशन बताई थी आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट फिर हमारी एत्र और अववार यूज़ होगा फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का फिर हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था अब वैसे ही देखो जैसे कि यहाँ पर आ, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर अवहार वर्ब फिर अवर वर्ब की कॉन्जुकेशन खाली अवहार नहीं लिखना उसकी कॉन्जुकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल ठीक है तो ऐसे हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव मोड में अब देखो नेगेटिव मोड में क्या होता है हमें पता है वी नीड टू बलून्स टू फॉर्म द नेगेटिव एक होता है हमारा न न एंड पा और बीच में हमारी वर्ब होती है अगर मैं सिंपल सेंटेंस की अगर बात करूँ राइट बट अगर मैं बात करूँ इन दा पास कॉम्पोजिट पासे कॉम्पोज में क्या होता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है अवगर या एथ्र उसके आगे तो लगता है न ठीक है जैसे कि यहाँ पर एंड एज यू ऑल नो न और ए ऐसे अगर मीट करेंगे तो ई कट होकर अपोस बन जाएगा इसलिए ऐसे बन गया ठीक है फिर अफवार के बाद ही जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही पा लगेगा मेन वर्ब के बाद नहीं लगेगा पा के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी ठीक है नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे ऑफ पासे कॉम्पोजिट तो एज यू एज वी ऑल नो कि इन्वर्जन मेथड का यहाँ पर हमारे पास यूज़ कर रखा है तो इन्वर्जन मेथड में हमारा सब्जेक्ट और हमें पता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का इनका इन्वर्जन हो जाता है वर्ब चली जाती है सब्जेक्ट की जगह एंड सब्जेक्ट वर्ब की जगह तो वैसे ही अब आप लोग सोच रहे हो कि मेन वर्ब हो जो हमारी है या फिर जो ए आर वर्ब है कौन सी का इन्वर्जन होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ना एंड जो सब्जेक्ट होगा उन दोनों का इन्वर्जन होगा एंड पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एंड जो मेन वर्ब है वो एसिडेज रहेगी ठीक है ऐसे हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म होगा हमारे पास कुछ इररेगुलर वर्ब्स अभी अभी हमने ने देखा कि ई आर वर्ब्स का पास्ट पार्टिस फॉर्म करने के लिए ई ER आर को कट कर दो एंड ई अप वो एक्सेंट वाला पुट कर दो बट कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर होता है मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करके खुद का उनका पास्ट पार्टिसिपल होता है अब उन चीज़ों को उनको आप लोग यहाँ पर लिस्ट आउट कर सकते हो एंड ये तो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी ठीक है जैसे कि अव आर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हमारा ये नहीं होगा कि हम आई आर को कट करके आई पुट कर दें इट वुड बी ई यू तो ये सारे वर्ब्स की जो पार्टिस पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर तो हैं हमारी सारी की सारी वर्ब्स यहाँ पर एंड यहाँ पर उनका पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर तो ये सारी चीज़ तो

लास्ट वीक लमुआ डायरिया मीन्स लास्ट मंथ ला लाने डायरिया मीन्स लास्ट ईयर ठीक है यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को एक पोम दे रखी है आप आ, ये आप लोग ये लिसनिंग की है ये पोम तो ये कुछ करने की ज़्यादा नीड नहीं है अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं इसकी बिकॉज मैनी ऑफ यू आस्क मी कि मैम एक्सरसाइज भी साथ में कराया करो तो आज से आई एम स्टार्टिंग की आ, मैं कोशिश करूंगी कि हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज भी साथ में ही हो जाए ताकि मुझे बाद में बर्डन ना पड़े क्योंकि मैंने अगला स्लिप स्टार्ट करवा रखा होता है तो थोड़ा सा मेरे पे भी बर्डन पड़ता है तो इस वजह से एक्सरसाइज भी अभी इंक्लूड कर देते हैं सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज उस क्वेश्चन पर आते हैं इट सेज वी हैव टू पुट दिस वर्ब्स इन द पास कॉम्पोजिट फर्स्ट सेंटेंस है हमारा फर्स्ट जो हमारे पास वर्ब आती है वो हमारे पास आती है लोए लोए वर्ब हमारे पास है एंड हमें कहा गया है कि इसको हमें पास्ट टेंस पा, पास कॉम्पोजिट में जो है कॉन्जुकेट करना है सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी नो कि uh, सबसे पहले वी हैव टू यूज़ द अव वर्ब तो सबसे पहले आई पुट द कॉन्जुकेशन ऑफ अवूआर वर्ब विद नो तो हमारी ये होगी आवो ठीक है फिर वट आई एम गोना डू इज I'll पुट द लुए लुए वर्ब हमारी ई आर वर्ब तो इसका ई आर हम कट करेंगे एंड ई पुट कर देंगे विद an एक्सेंट एंड इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड इट इज़ द फर्स्ट आंसर ठीक है वैसे ही सेकेंड पार्ट में देखो जो ओमवित हमारे पास जो है

एंड अगर अववार वो हमारे पास दे रखी है तो आप लोग सोचोगे सीधा ये लिख दो सिंपली नो फिर भी हमें अववार की जो है कॉन्जुकेशन लिखनी पड़ती है ठीक है ये अ फॉर्म मीन्स आई हैड बीन या आई वॉज हंग्री ठीक है नेक्स्ट वाला पार्ट खुद कर लोगे एंड ये वाला भी खुद कर लेना ठीक है ट्राई करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो नेक्स्ट है हमारा मेथिल मेतिल ऑन नेगेटिव वी हैव टू पुट द सेंटेंसेस इन नेगेटिव अब इन सेंटेंसेज को नेगेटिव में पुट करने के लिए देखो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि न जो हमारा जब हमने देखा था प्रीवियस सेंटेंसेस में जो हमारा न था वो हमारा अववार या फिर जो एत्र है उसके आगे लगेगा एंड फिर डायरेक्टली इसके बाद हमारा पा लगेगा एंड फिर हमारी जो है पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब आएगी ऐसे फॉर्मेशन है तो अब क्या होगा यहाँ पर हम एक एक करके हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर ये 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 विच इज़ द अववार वर् अववार ये सारी अब इसके आगे लगा दो न इसके बाद पा इसके आगे न यहाँ पर पा यहाँ पर न यहाँ पर पा यहाँ पर न यहाँ पर पा यहाँ पर न यहाँ पर पा, यहाँ पर न, यहाँ पर पा। ऐसे हमारी जो है नेगेटिव में जो है कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इट्स इट मीन वी हैव टू पुट द इन हैोगेटिव अब मैंने आप लोगों को बताया था फॉर पुटिंग इन इंटेरोगेटिव वी कैन यूज द इन्वर्जन मेथड इन्वर्जन किसके अंदर होगा जो हमारी अवहर या एत्र जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड सब्जेक्ट इनके बीच में जो इन्वर्जन होगा अव एंड एत्र की जगह हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा एंड सब्जेक्ट की जगह अव एंड एत्र आ जाएगी तो यहाँ पर देखो आईल टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट इस वाले पार्ट का जो है एग्जाम्पल लेती हूँ इट्स इज एल आरड्यू सो सैक्मी शी हैज लॉस्ड हर बैग ठीक है तो अब मैं क्या करूँगी आगे लगा दूंगी एल यहाँ पर लगा दूंगी एंड सो so, सात एंड पीछे क्वेश्चन मार्क अब जब हमने इंटेरोगेशन करी थी आप लोगों को एक रूल याद होगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुल थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जो कि इल और एल होता है उनके बीच में जब हम इन्वर्जन करते हैं और वोवल होते हैं दोनों के दोनों तो हम एक टी ऐड कर देते तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा एक टी ऐड हो जाएगा आतेल ए तेल पैरती सेंटेंस so, तो बन जाएगा वैसे ही इस वाले पार्ट में देखो जावे वो क्यों पे लगा तो ऐसे हमारा ये पार्ट बन जाएगा एन पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ठीक है अब आते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इट्स इज कम्प्लीटे आवे क्लीज एक्सप्रेस यू द फेर ऊ दू आर और पासे कम्पोजे सेव टू कम्प्लीट विद एक्सप्रेशन और वो आर एक्सप्रेशन इन द पास कम्पोजे अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ठीक है एयर इल दैश शो पासकर लवेंथ लातर नापा मार्शे मीन्स येस्टर डे ही वॉज फीलिंग हॉट बिकॉज द फैन वॉज नॉट वर्किंग ठीक है चल नहीं रहा था फैन तो यहाँ पर हमारा हमारा आएगा इल आ फे ठीक है नेक्स्ट में ले यो दैश ला दोलो दूस तो यहाँ पर आएगा ओ फे यहाँ पर हमारी जो है फैर वर्ब यूज हो रही है फैर वर्ब का हमने एफ ए आई टी हमें पता है फैर वर्ब इज का जो पास कम्पोज है वो एफ ए आई टी है एंड उसके साथ फैर वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है अवआर वर्ब तो यहाँ पर फैर वर्ब का यूज़ हो रहा है ठीक है यहाँ पर हमारा होगा अवआर वर्ब का यूज़

नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैथिली फ्रास्वी वो लिम्पेराटिव मीन्स वी हैव टू पुट द सेंटेंसेस इन इम्पेरेटिव ठीक है तो यहाँ पर आएगा फायर वर्ब दे रखी है तो पोलिन एफ ए आई एस पोलिन के अकॉर्डिंग एफ ए आई एस यहाँ पर लगेगा एंड यहाँ पर वा लगेगा यहाँ पर एथ्रवर्ब एथ्रवर्ब का हमें पता है कि Uh, तो जो uh, एथ्र वर्ब का जो इम्पेरेटिव होता है इम्पेराटिव अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई एम गिविंग द लिंक इन द कमेंट सेक्शन वहाँ से आप लोग इम्पेरेटिव की फुल वीडियो देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमें पता है एथ्र वर्ब की जो इम्पेरेटिव फॉर्म होता है वो एस ओ वाई ई जेड होता है ठीक है एथ्र से रिलेटेड एत्र की कॉन्जुकेशन से रिलेटेड नहीं होता ठीक है नेक्स्ट है रेगारदे रेगारदे का हम ये पुट कर देंगे क्योंकि हम जो uh, सब्जेक्ट है उसको वो कंसिडर करके चल रहे हैं ठीक है थीके? तो इसलिए ईजेड हमने पुट करा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पर सावुआर साबुआर का भी हमें पता Irregular है इरेगुलर है इट इज़ सशे ठीक है नेक्स्ट है तेजे वो ये इंपेरेटिव से हो रहा है आई नो कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी इसलिए मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया डि इन द कमेंट्स बॉक्स वहाँ से आप लोग इंपेरेटिव की जो है वीडियो देख लेना ठीक है नेक्स्ट है न वो प्रोमेने पा दुला न्यू ठीक है डोंट गो फॉर अ वॉक डोंट डू दो वॉकिंग इन द न्यू ठीक है वो दे रखी है तो इसका एम्पेराटिव होगा हमारा वेले ठीक है नेक्स्ट है सलेवे सलेवे का हमारा इम्पेराटिव फॉर्म होगी लेव तुआ ठीक है आले वर्ब की होगी वा ठीक है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नेक्स्ट पेज पर आता है क्वेश्चन के अंदर हमारा बताता है कि स्टेफेन जो है येस्टरडे सॉरी शी हैड अ बैड डे तो इन सेंटेंसेस के साथ हमें इनको पास्य कॉम्पोजे में जो है कन्वर्ट करना है ठीक है एंड स्टेफेन इज़ अ बॉय नेम ठीक है जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कास््य सताश मींस टू ब्रेक द कप ठीक है तो मैं क्या करूँगी कास््य सताश दे रखा है तो सबसे पहले तो इल जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं पुट कर दूँगी इल मैंने लिखा फिर मैं लिखूँगी कासे कासे वर्ब है तो इसलिए अब अब की पहले कॉन्जुकेशन कासे वर्ब है इट इज़ अ इट इज़ एन ई आर वर्ब तो ई ER आर कट करके ये पुट कर दिया ठीक है इल आ का एंड सास एज इट इज़ सो इन सारे सेंटेंस को आप लोगों को जो है uh, पासे कॉम्पोज में कन्वर्ट करके लिखना है तो आई होप ये ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर टू वी हैव फाइंड द क्वेश्चन अब ये कहता है सी जे वे ओ सिनेमा मीन्स येस आई एम गोइंग टू सिनेमा अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी नेगेटिव क्वेश्चन का हम कोई नेगेटिव क्वेश्चन है उसका अगर हमें आंसर करना है तो हम सी करके करते हैं तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हमें इसका जो क्वेश्चन होगा वो भी हमें नेगेटिव ही फाइंड आउट करना पड़ेगा अब वो कहते हैं यो वेओ सिनेमा तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा आर यू नॉट गोइंग टू सिनेमा सी यो वेओ सिनेमा तो मैं कहूंगी इसका फर्स्ट पार्ट का मैं कहूंगी नाले नाले Sorry, n'allez vous pas au cinéma. अब आप लोग कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि पा जो होगा इसके बाद लगेगा बट बेटा मैंने आप लोगों को ये कहा था कि पा से कॉम्पोजिटी वो बात थी अब यहाँ पर ये हमारा सिंपल सेंटेंस है तो इस वजह से इन्वर्जन के बाद ये पा हमारा लगा ठीक है छोटी छोटी पॉइंट्स को आप लोग याद रखना है ठीक है बाकी के पार्ट्स को ट्राई कर लेना एक बार एंड सी का ध्यान रखना सी हमारा तब यूज़ होगा जब हम किसी नेगेटिव क्वेश्चन का येस आंसर देते हैं ठीक है अब आते हैं

फेमिनिन भी है प्लूरल भी है बुटीक फेमिनिन है पर प्लूरल नहीं है ठीक है और फेमिनिन है पर प्लूरल नहीं है वह जो तो इस वजह से इसका मैच होता है इसके साथ ठीक है नेक्स्ट है कैल तो हमें ऐसा सेंटेंस देखना है जो कि सिंगुलर हो ऐसा सॉरी वर्ड देखना है जो कि सिंगुलर हो एंड मैफकुलन uh, हो ठीक है तो ऐसा हमारा वर्ड है उजो तो इसका मैच होता है हमारा के साथ केल मींस विच वर्ड इज इन द ट्री केल डैश ए फिर में। अब हमें ऐसा सेंटेंस देखना जो कि फेमिनिन हो और सिंगुलर भी हो तो ऐसा हमारा है ब्यूटी तो बुटीक के साथ मैच कर दो अब ऐसा सेंटेंस जो फेमिनिन जो मैस्कुलन हो और बट प्लूरल हो तो ऐसा है ओम तो इससे मैच कर दो एंड लास्ट में बचा और इससे मैच कर दो तो इट डिपेंड्स ऑन ग्रामर ग्रामर से देखो कितना जल्दी हो गया नहीं तो पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता फिर ये पढ़ने पड़ते अब मेरे को कैल के मीनिंग पता थे सबके तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी कर लिया ठीक है अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर नाइन्थ क्वेश्चन पर नाइन्थ क्वेश्चन से कंप्लीट द टेक्स्ट ऑन टेक्सटो द ले मोदो ने मीन्स वी द टेक्स्ट विद द गिवन वर्ड्स तो सबसे पहले हम आप लोगों को ऑर्डर बताती जाती हूँ यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट में ये ठीक है फिर सेकेंड में आएगा सांपा सांपा थर्ड में हमारा आएगा बोकू थर्ड फोर्थ में हमारा आएगा ए प्री इन फिफ्थ वी हैव ए अपले सिक्स के अंदर हमारा आएगा द सी दे सी यस दिस वन सेवेंथ के अंदर हमारा आएगा प्रे ड्यू ठीक है फिर एट्थ के अंदर आएगा आमोजे नाइन्थ के अंदर आएगा पिज्ज़ा एंड टेंथ के अंदर आएगा आबियो ठीक है आप लोगों को पता है कि कहाँ पर अभी अपनों और फोन से थ्री पर आ चुके हो तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता दी क्योंकि ज़्यादा समझाने में टाइम भी वेस्ट होगा आई नो कितना तो आप लोगों को आता ही होगा ठीक है अब आते हैं नेक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो जो कि है लिसनिंग का एक uh, क्वेश्चन तो आई कॉन्ट हेल्प यू आउट विद दिस ठीक है तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आए हो एक्सरसाइज भी समझ में आई हो फिर भी कोई एक्सरसाइज में पार्ट रहता है तो मुझसे एक बार पूछ लेना कमेंट्स में मैं उसका आंसर भी आप लोगों को बता दूंगी ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ जहाँ पर वी विल कंप्लीट द चैप्टर नंबर एलेवन ऑफ दिस दिस बुक अपन द फ्रॉम सी थ्री एंड टिल देन टेक केयर एंड ब बाय एंड डू वॉच द इम्पेराती वीडियो अगर कोई भी डाउट उसमें रह गया हो तो ठीक है बाय बाय